81 रन 8 ओवरों में, 82 रन चाहिए हरिओम मशोबरा को अगर इस मैच को जीतना है और सेमीफाइनल में प्रवेश करना है। और बैक टू द बॉलर और शानदार 6 रन। पर मैं जिस तरह की शुरुआत बाजीगर 11 बसंतपुर ने की थी उसका ही करारा जवाब वहां पे, और वहां पे एज लगा है और सेफ एरिया में और गिवन रखा हुआ है गिवन 2। और एक ओवरों की समाप्ति पे स्कोर हुआ 17 रन। शुरुआत अच्छी हो चुकी है यहां पे मशोबरा टीम की, तो धुआंधार शुरुआत वहां पे मशोबरा टीम की। और फिर से वहां पे फुलर लेंथ बॉल और काफी लंबा छक्का, 24 रन 8 बॉलों में। और फिर से फुलर लेंथ बॉल फिर से उछाल के मारा है और निश्चित रूप से ये भी 6 रन है, अंपायर का इशारा 6 रन। तो संजू वहां पे काफी लंबे लंबे शॉट दिखा रहे हैं, कपिल का ये काफी महंगा ओवर साबित होते हुए। और इस बार अपना स्टार्ट चेंज किया है, अराउंड द स्टंप गए हैं और काफी लंबा शॉट पीछे हटके बैक साइड में 6 रन मारा और 3 छक्के आ चुके हैं इस ओवर में। फिर से छोटी बॉल और फिर से इस बार लेग साइड में उछाल के मारा है काफी लंबा छक्का। चार छक्के हासिल कर चुके हैं इस ओवर में, एक उन्होंने विकेट के पीछे 6 रन हासिल किए। और फिर से ओवर पिच बॉल और फिर से लंबी बॉल और लंबा छक्का, 5 छक्के इस ओवर से। काफी धुआंधार बैटिंग देखने को मिली यहां पे संजू के बल्ले से, 30 रन हासिल किए उन्होंने इस ओवर से, 5 गेंदों में लगातार 5 छक्के। और 2 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर 48 रन। और तीसरे ओवर की शुरुआत और सामने सलामी बल्लेबाज तपेंद्र और संजय, इन दोनों ने काफी धुआंधार बैटिंग करी है। और दूसरी दफा तपेंद्र सामने है स्लोअर बॉल और लेग साइड में उसको 1 रन हासिल। अब सामने गए हैं संजय जिन्होंने पिछले ओवर में 5 छक्के मारे थे। सीबी चगली गेंद और अच्छी गेंद, फुल लेंथ स्लो बॉल और ये पहली डॉट बॉल है उनकी। सीबी चगली गेंद, फुलर लेंथ बॉल लेग साइड में उछाल के मारा है, निश्चित रूप से ये बाउंड्री होगी और 6 रन। और एक और छक्का संजू के लिए, काफी इजी बॉल थी ये और पूरा उन्होंने फायदा उठाया इस गेंद का, 6 रन। अगली गेंद स्लोअर बॉल फिर से उछाल के मारा और ये लंबा छक्का। और संजय मार चुके हैं अभी तक 8 छक्के मार चुके हैं अभी तक वो, और मात्र शायद उन्होंने अभी गेंदे खेली हैं 11 गेंदे या 10 गेंदे खेली हैं। सीवी चगली बॉल संजू के लिए और इस बार बैक टू द बॉलर खेला है वहां पे फील्डर के पास और मात्र 1 रन। 66 3 ओवरों की समाप्ति पे 66 रन। चौथे ओवर की शुरुआत, लेफ्ट आर्म गेंदबाज, अच्छी गेंद फुलर लेंथ और मात्र उस बॉल को रोकने के अलावा संजू के पास कोई और विकल्प नहीं था। ओवर की दूसरी गेंद और इस अभी तक के मैच की ये दूसरी डॉट गेंद थी और अच्छा वहां पे थ्रो और रन आउट होके संजू गए हैं वापस, जिन्होंने 50 बनाया है इस मैच में।
हरिओम शुभ्रा को ये लगने वाला पहला झटका।